प्रीवियस पार्ट में हमने ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पढ़ा, इस पार्ट में हम नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी पढ़ेंगे। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नेशनलिस्टिक, यस, नेशनलिस्टिक यानी राष्ट्रवाद वाला फीलिंग। अभी जो भी हिस्टोरियन, जो भी स्कॉलर, जो भी राइटर अपने इतिहास को ग्लोरीफाई कर रहा है, भारत के इतिहास को ग्लोरीफाई कर रहा है, उनको हम जनरली नेशनलिस्ट बोलते हैं और उनके राइटिंग्स को नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। क्लियर? डेफिनेशन देख लेते तो और अच्छे से समझ में आएगा। हिस्टोरियंस आर स्कॉलर्स हू राइट्स टू रिस्टोर द प्राइड इन द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड द सेल्फ एस्टीम ऑफ द रीडर्स। क्लियर? देयर राइटिंग्स आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। इसका मतलब ये कि वो हिस्टोरियन राइटर्स जो भारत के जो भारत के इतिहास को ग्लोरीफाई करता है, अच्छी अच्छी चीजें लिखता है, ऐसी चीजें जो विश्व में नहीं थे लेकिन भारत में थी, तो इससे क्या होता है? ग्लोरिफिकेशन ऑफ आर कंट्री। और रीडर्स को भी समझ में आता है, रीडर्स को भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला फीलिंग आने लगता है। क्लियर? देखो क्या हुआ था ना, ब्रिटिश सिस्टम में हमारे जो हिस्टोरियन राइटर है, इंडियन हिस्टोरियन राइटर्स, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन राइटर्स, उनका एजुकेशन ब्रिटिश एजुकेशन से ही हुआ। यस, बहुत सारे लोग फॉरेन में पढ़े, बहुत सारे लोग यहीं पे पढ़े, तो उनका जो एजुकेशन का पार्ट है वो ब्रिटिशर्स ने जो पढ़ाया था वही है। तो उन्होंने वो तरीका सीखा कैसे लिखते हैं और ये फिर अपने देश के ग्लोरिफिकेशन के लिए यूटिलाइज किया। राइटिंग्स के जरिए देश के बारे में अच्छी बातें लिखी, हमारे पास्ट के बारे में अच्छी बातें लिखी, सो दैट लोगों को फीलिंग आए देश के प्रति, समझ में आया, भारत के प्रति। इसको हम नेशनलिस्टिक फीलिंग बोलते हैं, नेशनलिज्म का फीलिंग बोलते हैं। ये राइटिंग से ही स्प्रेड हुआ है, ज्यादा से ज्यादा राइटिंग्स आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पढ़ा, एंड देन नेशनलिज्म का फीलिंग बढ़ते गया। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे ही हुआ, बहुत सारे स्टेट्स में लोगों को राइटिंग का तरीका आ गया तो वो लोग लोकल लैंग्वेज में लिखने लग गए, यस, वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखने लग गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नेशनलिज्म का फीलिंग आए, समझ में आए। क्लियर? सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नेशनलिस्ट राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वाज इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। यस, महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ये बहुत बेहतरीन राइटर थे। यस, बहुत ही बढ़िया लिखते थे। इनके राइटअप्स ने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया। इनफैक्ट ये स्कूल के टाइम पे भी लिखा करते थे, यानी स्कूल में जो स्कूल का पेपर होता है, यस, शाला पत्रिका, उसमें वो लिखते थे। इतना ही नहीं, वो एसेज वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते थे, एसेज भी लिखते थे ऐसे राइटिंग में। तो ये राइटिंग्स पढ़कर लोगों को इन्फ्लुएंस हुआ। यस, लोगों ने भी इनके राइटिंग्स को देखकर लिखना स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया। इसलिए बोला जाता है कि नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वो इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। क्लियर? नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यस, ये लोग यही कर रहे थे कि जितने भी हमारे इतिहास का हिस्सा है उस पे बहुत सारी चीजें लिख रहे थे और ये लिखकर हमारे एंशियंट ग्लोरिफिकेशन को वापस ला रहे थे। लेट्स सी कुछ हिस्टोरियंस के नाम। सम ऑफ द रिनोन्ड हिस्टोरियंस आर एस फॉलोस: महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भांडरकर, विनायक दामोदर सावरकर एंड राजेंद्र लाल मिश्रा। ये सब फेमस हिस्टोरियंस है उस समय के, यानी ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे भी इनके राइटअप्स ने काम लाया था। बहुत ज्यादा राइटअप्स लोग पढ़ते थे, और भी ज्यादा हिस्टोरियन, और भी बहुत सारे हिस्टोरियंस है, जैसे कि विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में देखेंगे। उन्हीं के साथ साथ विनायक दामोदर सावरकर के बारे में भी डिटेल में देखेंगे। यस, क्लियर? थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हमने कुछ हिस्टोरियंस के नाम देखे और वो टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हम दो और हिस्टोरियन के नाम देखेंगे डिटेल में, दैट इज विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े एंड विनायक दामोदर सावरकर। सो लेट्स स्टार्ट विद विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। अब कौन थे ये विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े और इतने प्रसिद्ध क्यों है? द रीजन इज विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन। उनको तो लोकल लैंग्वेज में लोकल पीपल
इतिहासचार्य राजवाड़े भी बोलते थे। क्या बोलते थे? इतिहासचार्य राजवाड़े। अभी इनके पैशन को लेकर ये बहुत सीरियस थे। हिस्टोरियंस ने इनकी तारीफ की। दे सेड हिज पैशन वॉज अनअडल्टरेटेड, यानी मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं, मिक्सिंग इन द सेंस सिर्फ पैशन, बाकी उनका मोटिव ज्यादा कुछ नहीं था। मेन उनका पैशन था रिसर्च अच्छे से करना, और उन्होंने किया। उन्होंने मराठी राइटिंग्स बहुत सारे लिखे हैं, और जितने भी इंफॉर्मेशन उन्होंने पता लगाया, हर एक विलेज में जाकर उन्होंने इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाया, एंड देन उन्होंने अपना वर्क कंप्लीट किया और 22 वॉल्यूम्स लिखा मराठियांचे इतिहासचे साधने। इन्होंने इस पे बहुत रिसर्च किया, गांव से गांव जा जाकर रिसर्च किया, इसलिए इनको बहुत माना जाता है, इसलिए बहुत फेमस है। क्लियर? समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स सी द फैक्चुअल पार्ट ऑफ विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। वी के राजवाड़े वॉज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग्स इन मराठी। यस, ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठियांचे इतिहासाची साधने। क्लियर? He stated that history is all-inclusive image of the past societies and insisted on using authentic source for writing history. इसका मतलब ये कि history is not about only one event. पूरा का पूरा picture है। हर एक चीज history में include किया जाता है। और history को लिखने के लिए हमेशा authentic source पे information लो, जो इन्होंने किया। गांव से गांव जाकर information लेना। Yes, गांव से गांव जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन लेना, यही नतीजा है कि इन्होंने हमें सजेस्ट किया टू यूज ऑथेंटिक सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्री। क्लियर? इसी रीजन के कारण ही हैज अ वेरी ग्रेट पैशन फॉर रिसर्च इन हिस्ट्री। क्लियर? ही ऑल्सो फाउंडेड भारत इतिहास संशोधक मंडल इन पुणे ऑन 7th of July 1910 फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। इनके पैशन ने इनको इस सीमा तक लाया, और ये सीमा ये है कि इन्होंने भारत इतिहास संशोधक मंडल खोल दिया पुणे में 7 जुलाई 1910 में, और हिस्ट्री पे रिसर्च करने की शुरुआत की। इतना ही नहीं, ही आल्सो स्टेटेड दैट ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस अलोंग विद द पर्सनालिटीज। यानी इतिहास में टाइम यानी प्रॉपर डेट, एंड स्पेस यानी प्रॉपर लोकेशन, और उसी के साथ साथ पर्सनालिटी का राइट इंफॉर्मेशन, ये होना बहुत जरूरी है, तभी ही हम उस इवेंट को हिस्ट्री का ट्रू इवेंट मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रिटिश इंडिया के बारे में लिख रहा हूँ, तो मुझे पूरा लिखना है, मुझे हर एक इवेंट का डेट प्रॉपर लिखना है, और हर एक इवेंट में जो जो पर्सनालिटी इंक्लूड थे उनका भी नाम प्रॉपर लिखना। समझ में आया? ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस एंड अलोंग विद इट्स पर्सनालिटीज। क्लियर? समझ में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। ओके, थैंक यू। सो आफ्टर दैट, नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू विनायक दामोदर सावरकर, वेरी ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। यस, विनायक दामोदर सावरकर के कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है। उन्होंने भारत को नेशनलिज्म का फीलिंग लाने में बहुत मदद की, मतलब लोगों के अंदर जो देश के प्रति नेशनलिज्म का फीलिंग जागना चाहिए, जो पैट्रियोटिक फीलिंग जागना चाहिए, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत योगदान दिया। लेट्स सी अ वेरी फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग विनायक दामोदर सावरकर। टेक्स्टबुक में जितना दिया उतना ही देखेंगे। लेट्स सी, हिज राइटिंग्स हेल्प्ड इन ट्रिगरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यस, इनके राइटिंग्स की मदद से भारत में जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था ना, उसको और ज्यादा ट्रिगर मिल गया। यस, और ज्यादा फोर्स मिल गया। The Indian War of Independence, that is 1857, was his writings which enhanced the nationalist feelings among the people. Yes, The Indian War of Independence, 1857, ये इनकी किताब है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है, बताया है कि कैसे सब एक मिलकर विद्रोह कर सकते हैं, इस क्रांति कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, और वो लड़ाई किस तरीके से अंग्रेजों को भारी पड़ गई। अगर और ज्यादा लोग मिलेंगे और ज्यादा लोग एक होंगे तो हम अंग्रेजों को हटा सकते हैं। तो ये मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की इस बुक के जरिए, और बुक का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्लियर? यस, ये दोनों पॉइंट्स और इसके पहले हमने जितना भी देखा वो आप लोग नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। क्लियर? नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ तक पॉइंट्स आप लिख सकते हो आराम से, 6 पॉइंट्स तक आप लिख सकते हो। ठीक है? ओके,
इसके बाद हम एक सिंपल सा स्मॉल सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो डू यू नो में दिया है, द राइज ऑफ मराठा पावर, ये किताब है जो महादेव गोविंद रानाडे जी ने लिखी है। किसने लिखी है? महादेव गोविंद रानाडे जी ने लिखा है। क्लियर? समझ में आया? ओके, थैंक यू सो मच।